मंगलवार को बबेन में दैनिक अर्थ प्रकाश समाचार पत्र समूह के मुख्य संपादक महावीर जैन ने कहा कि स्वस्थ एवं स्वच्छ समाज के सृजन के लिए मीडिया में अमूल चूल परिवर्तन की आवश्यकता है और मीडिया को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाना होगा तथा उसे समाज के सजग प्रहरी तरह अपनी जिम्मेवारी निभानी होगी। महावीर जैन बबेन के रॉयल पैलेस में मीडिया वेलफेयर क्लब द्वारा आयोजित होली मिलन समारोह में मीडिया कर्मियों को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि अब समय आ गया है कि मीडिया समाज का समर्थन बनकर समाज की छवि सुधारने के लिए काम करे। उन्होंने प्रेस को लोकतंत्र का चौथा स्तंभ बताते हुए कहा कि प्रेस की समाज को सही दिशा देने में महत्वपूर्ण भूमिका है, इसलिए प्रेस को सकारात्मक दृष्टिकोण अपनाते हुए सच्चे और ईमानदार लोगों को आगे लाने में मदद करनी होगी। देखिए, आज ये जो मीडिया क्लब हमारे जो प्रधान हैं हमारे भाई तुषार जी, इन्होंने ये जो आज कार्यक्रम होली मिलन का एक रखा है, तो सभी इसमें पत्रकार बंधु, सामाजिक लोग, सभी लोग इसमें शामिल हुए। बहुत अच्छा लगता है क्योंकि पत्रकारिता समाज के साथ साथ एक ऐसा साधन भी है जो लोगों की समस्याएं भी उठाता है। और मैंने जो प्रधान जी को और इनकी टीम को जो बधाई दी है कि आप कुरुक्षेत्र जिला की प्रेस अगर मैं मानूं तो हरियाणा में सबसे बड़ी और बड़ी प्रबुद्धता से अपनी बात रखती है, तो मैं आप सबको इस होली मिलन के अवसर पर आप सबको शुभकामनाएं देता हूं। और भारतीय जनता पार्टी की तरफ से माननीय मनोहर जी ने भी जो सभी पत्रकार बंधुओं को जो 10,000 की जो पेंशन दी है उसके लिए भी आपको शुभकामनाएं, और आगे भी जो समस्याएं पत्रकारों की हमें जो पता लगी हैं उनको भी हम आगे सरकार को पहुँचा। सरपंच है, पंच है, गाँव की तरफ कोई ध्यान नहीं दे रहा। आजकल क्या है, पब्लिक रिलेशन के जो प्रेस नोट आते हैं उन पे हम काम कर रहे हैं। आज हमें जरूरत है ग्रास रूट पे पत्रकारिता करने की, लोगों की समस्याओं को हाईलाइट करने की, ताकि सरकार तक पहुंचे जो समस्याएं हैं उनको हाईलाइट किया जाए, उस पर ध्यान देने की जरूरत है। और पॉजिटिव, अगर हम किसी चीज को लिख भी रहे हैं तो उसको पॉजिटिव अंदर से लिखा जाए, ताकि मतलब एक संस्कृति फैले। उन्होंने जन समस्याओं को प्रभावी ढंग से उठाने के लिए मीडिया की मुक्त कंठ से सराहना की है। चंडीगढ़ से अर्थ प्रकाश टीवी।